देखो इंडिया में क्या है, जब 12 लाख लोगों को एग्जामिनेशन लोगे ना जेई में, वो तो तब भी पूरे इंडिया में आपका फैला हुआ रहेगा। आपको महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम कराना है, जिसमें कि आपका आधे से ज्यादा महाराष्ट्र अभी रेड जोन में है। और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार, एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपने चैनल समझो। सो एमएसटी सीटी के डेट्स बाहर आ चुके हैं। एमएसटी सीटी यानी कि महाराष्ट्र का जो सीटी एग्जामिनेशन होता है, लास्ट ईयर इसको 4 लाख बच्चों ने दिया। 4 लाख मतलब आप समझ रहे हो, इट केटर्स टू अबाउट 33% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द जेई। ठीक है, जेई में अप्रोक्सीमेटली 12 लाख लोग देते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 4 लाख लोग देते हैं। डेट्स कब क्या, ये बहुत शॉकिंग है आपका। जुलाई 4 से लेकर अगस्त 5 के बीच में एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि आपके टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं। देखो यार, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद आर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वी गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज नॉन एसिडीज। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो, आपने जब जेई मेन स्केड्यूल किया था अप्रैल में आपके हार्डली तब 1000 केसेस थे, 1000 भी नहीं थे। ठीक है, जब आपका जेई मेन हो जाता, आपने तब एग्जामिनेशन नहीं कराया। अब जब दिन दिन के 6-6 हजार केस आ जा रहे हैं, आपको तब एग्जामिनेशन कराना ही है, आप ऐसा सोच रहे हो। सो ये एक चीज है ना, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कि यार, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, दो आई एम नॉट श्योर, अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स इतने ज्यादा भी आ चुके हैं कि आप करा सकते हो, बट अगर आप देखोगे 37,000 केसेस है आपके महाराष्ट्र में, जिसमें से कि 26,000 अभी भी एक्टिव है, एंड इट इज द ओनली स्टेट जहां पे 1000 लोग से ज्यादा मर चुके, दैट इज 1300 लोग। 1300 लोग मर चुके हैं और आपको तभी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है 4 लाख लोगों का। सो मेरे को तो कहीं से लॉजिक लगता नहीं है। देखो कई बार होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा पेरेंट्स को बोलते हैं कि यार ये चाहिए हमको, ये चाहिए, हमारे मुंह में लॉलीपॉप देखे वो बंद कर देता हमारा मुंह। सो आई थिंक ये भी यहाँ पे सेम कोशिश की जा रही है। डेट्स मांग रहे थे, डेट्स मांग रहे थे, डेट एक दे दिया उन्होंने। ओके, सो सेम थिंग यार, मेरे को एकदम लॉजिक समझ में नहीं आता है। जब आपके 1000 केस नहीं थे इंडिया में पूरे, आप तब एग्जामिनेशन नहीं कराए हैं, अब जब आपके इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, दिन में 5-5, 6-6 हजार केसेस बढ़ रहे हैं, आपको तब एग्जामिनेशन कराने में इतनी क्या मच रही है। और देखो इंडिया में क्या है, जब 12 लाख लोगों को एग्जामिनेशन लोगे ना जेई में, वो तो तब भी पूरे इंडिया में आपका फैला हुआ रहेगा। आपको महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम कराना है, जिसमें कि आपका आधे से ज्यादा महाराष्ट्र अभी रेड जोन में है। ओके, सो चीज को क्लियरली समझो यार, कि इस चीज को एक टेंटेटिव डेट ही मानो, एकदम कंफर्म डेट मानो, बट प्रैक्टिस उतनी करो, जितना ज्यादा मेहनत कर सकते आप उतना करो। बट स्टिल आप एक एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जामिनेशन है कल, आपके घर में पुलिस आई, 14 दिन के क्वारंटाइन में आपको लेके चले गई, आप तो एग्जामिनेशन देने से रहे आप। हाँ, सो ये सारी चीजें भी डेवलप हो रही है। ओके, सो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, सब टेंटेटिव डेट मानो इसको, बट प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करो, डेट्स अकॉर्डिंगली, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में हो या फिर सेकेंड शिफ्ट में हो। ओके, बट सीरियसली अगर मुझे कुछ बोलना होगा कि इतने सारे केसेस के बीच आप एग्जामिनेशन जैसे नॉन नेसेसिटी को एक इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इतना आई डोंट थिंक दिस डिजर्व सच इंपॉर्टेंस। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। समय आप सब सलदा रहने का, अलविदा।